bottle can, which is like this. Qualifier of noun or pronoun, noun and pronoun is known as adjective. संज्ञा ये सब नाम पीछे कर देने वाले शब्द ना ना कुछ तो खत्म बिल्कुल आखिरी पर सवाल पूछ ले क्या है बोले बोलो ये सब क्यों लिखा हुआ है क्यों निगेटिव साइन देता है सर प्रिंटिंग मिस्टेक पूछ ले यार तू तो एकदम टेंशन में आ जाता है यार 42 एक बैच था उसके अंदर हमसे पूछा गया कि सर बच्चे कैसे होते तो हमने कहा कि बच्चे क्यूट होते हैं स्मार्ट होते हैं नोटी होते हैं और यही सारे शब्द एडजेक्टिव होते ठीक है तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और सबसे पहली बात इन अकॉर्डेंस विद अकॉर्डिंग टू द पोजीशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पहले एडजेक्टिव को बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और दूसरे को बोलते हैं एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव ये वाला जो पार्ट समझा रहा हूं ये पेपर में क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में काम आता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव अगर मैं कहता हूँ रेड तो रेड नेम ऑफ द कलर तो है ही और अपने आप में एक विशेषता भी बताता है अगर मैं ये कहूँ इट इज रेड और ये कहूँ इट इज अ रेड कलर तो दोनों में एक ही विशेषता रही यह लाल है यह एक लाल रंग है कुछ ऐसी हिंदी आ रही यहाँ पर रेड एडजेक्टिव है और यहाँ पर रेड एडजेक्टिव है दोनों में रेड एडजेक्टिव है लेकिन जब रेड सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद जो बात पूरी करेगा उसे क्या कहते हैं प्रेडिकेट तो जब प्रेडिकेट के हिस्से के तौर पर काम कर रहा है तो रेड यहाँ पर पोजीशन के तौर पर एक एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है लेकिन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है लेकिन जब किसी नाउन से पहले लगा हो तो ये एट्रीब्यूट देने का कोशिश कर रहा है ना इट का नहीं बल्कि कलर का सो कलर की विशेषता यहाँ बता रहा है इसके पड़ोस में बैठा एट्रीब्यूट दे रहा है कंप्यूटर में भी आपके पास होता है एमएस वर्ड में भी आपके पास एट्रीब्यूट जो होता है एट्रीब्यूट का मतलब ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक होता है जो साथ के साथ रख के दे देता है और ऐसे हिस्से को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अब आपके पास मान लीजिए एक वर्ड लिखा हुआ है A-L-O-N-E alone alone शब्द एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है लोनली और लोनली शब्द भी अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है और इसी का मतलब होता है लोन वो भी एक एडजेक्टिव होता है और इसी का मतलब होता है लोनसम वो भी एक एडजेक्टिव होता है अब वो कैसे देखिए और गाना सुना रहे हैं राजी तो बोलो यू बज रहा कौन नहीं तो सही बजवा हम नहीं हम तो चलो हिंदी इंग्लिश या भोजपुरी में से कौन सा सुना नहीं नहीं तुम कौन सा सुनोगे उनके में वो कौन सा सुना है हरियाणवी हरियाणवी गाना सुना मुझे बट मेरे को समझ में नहीं आया अकेला लोनली का मतलब अकेला बहुत अकेला लोन का मतलब भी अकेला और लोनसम का भी मतलब अकेला याद रखना शी इज अलोन एट हर होम और शी इज अलोन एट हर होम और एक सेंटेंस लिखा गया शी इज an alone girl at her home
अब पूछ लिया जाए विच ऑफ द सेंटेंसेस इज करेक्ट, इन दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य सटीक एवं पूर्ण है, व्याकरणिक आधार पर सटीक एवं पूर्ण है, कंप्लीट एब्सोल्यूट एंड करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट कौन सा है? तो आप कहोगे अलोन एक एडजेक्टिव है जो कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के तौर पर काम आता है, कभी भी एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर काम नहीं आता। यानी यानी कि ये गर्ल के साथ अलोन शब्द नहीं आएगा, ये किसी नाउन की विशेषता नहीं बताते हैं, ये केवल और केवल प्रेडिकेट के तौर पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। फर्स्ट वन सही रहेगा, सेकंड वन बिल्कुल गलत है। दूसरा देखो, ऐसे ही आपके पास एक वर्ड होता है अब्लीस। क्या होता है अब्लीस? अब्लीस का मतलब होता है ऑन फायर। क्या होता है? ऑन फायर। तो अब्लेस का मतलब दिस इज अ हाउस ऑन फायर, दिस इज अ हाउस विच इज ऑन फायर, और खाली लिखिए ऑन फायर। और इसी वर्ड के लिए मैं लिख दूं दिस इज अ हाउस अब्लेस, या एक लिख दूं दिस इज एन अब्लेस हाउस, या दिस हाउस इज अब्लेज। तो इन इस सेंटेंस का जो करेक्ट मीनिंग दे रहा है वन का, वो ए बी या सी में से कौन सा करेक्ट मीनिंग दे रहा है ग्रामेटिकली? अब ये क्वेश्चन आ जाता है, समझ में? ऐसे एडजेक्टिव शायद पढ़ा भी नहीं होगा मेरे, ये सब अप्रोच नहीं पड़ी। सो आप कहोगे दिस इज अ हाउस अब्लेज, अब्लेज अकेले में यूज बाद में नहीं होगा, हाउस के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आना चाहिए, प्रेडिकेट है तो वर्ब के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। दिस इज एन अब्लेज हाउस, तो याद रखेंगे अब्लेज जो है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में यूज होता है, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव में यूज नहीं होता। तो दूसरा भी गलत है, तो सही कौन सा है? दिस हाउस इज अब्लेज, तो तीसरे वाला बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी चीज़ें इसकी हम मेरी अभी बात भी हो रही थी भाई हर्ष भाई से कि अभी सर कितनी क्लास पेंडिंग है। मेरी तरफ से 2-3 क्लास पेंडिंग है, ज़्यादा क्लास पेंडिंग नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से अगर आप नोट बना रहे हो सारे चैप्टर्स, जो बेसिक चैप्टर्स जो है नाउन किया, प्रोनाउन किया, एडजेक्टिव किया, वर्ब किया, ये सारे चैप्टर्स को हम जब एक तरीके में देखते हैं तो कैसे हम ए क्यूब एन की ट्रिक लगते हैं। ए क्यूब एन की ट्रिक बता, आर्टिकल चैप्टर पढ़ा रखा है? नहीं, इस बैच में नहीं। सो ए क्यूब एन की ट्रिक नहीं बताई होगी, आर्टिकल अभी चैप्टर ही नहीं हुआ है, तो ये सारी ट्रिक क्लोज सर्च के अंदर कैसे एग्जीक्यूट करें इसके लिए आपको एक दो सेशन और ले लेंगे तो बेनिफिशियल रहेंगे। मैं तैयार हूँ, ठीक है? आर यू? विल यू? क्या है? आई एम रेडी, आर यू या विल यू? आर यू, मैंने प्रेजेंट में बोला तो आप भी प्रेजेंट। आर यू रेडी Guys, ये जो बेनिफिट ट्रिक ये कहती है आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन एक होता है। अगर मैं कहूँ शी इज अ गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, और शी इज एन
एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गर्ल, यस और नो? तो बताओ इनकी पोजीशन आपस में क्या होगी? नाउन किसको क्वालिफाई कर रहा है आर्टिकल को? नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब। इसी पर डेफिनेशन में सारा एग्जीक्यूशन एक लाइन से समझना है। और दैट वाज द न्यूली बिल्ड टॉम, दैट वाज द न्यूली बिल्ड टॉम टूम। सो द टॉम, द क्या हो गया आर्टिकल, टूम क्या हो गया नाउन, न्यूली बिल्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम कर रही है एडजेक्टिव का। न्यू खुद एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग जाए तो क्या बन जाता है एडवर्ब, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या होते हैं। कितनी लाइन बना लो, कैसे भी बना लो, एक ही बैंक के फॉर्मूले से होता है। तो कई बार आपके पास ये इस तरह का एक पैराग्राफ आता है और ये वर्ड यूं आ जाता है ब्लैंक, ए पी सी डी, न्यू, न्यूनेस, न्यूली, न्यू फुली, कुछ इस तरह के कुछ मुगली मुगली ऐसे कुछ आ जाए। अब बताओ इसमें क्या आना चाहिए? तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, तो पक्का यहाँ पर क्या आना चाहिए एडवर्ब। न्यू खुद क्या है एडजेक्टिव, नहीं आएगा। न्यूनेस, नेस लगा के क्या बनता है नाउन, तो पक्का क्या आना चाहिए न्यूली। सो इस तरीके से आप आंसर तुरंत, कोई खाली रटवाना नहीं है, समझाना है, तो अभी उसको पूरी इंग्लिश को यूज कर सकते हो। आज एक बैच में बच्चा पूछा सर जैसे आर्टिकल नाउन और प्रोनाउन होते हैं, मैं ये बेसिकली शुरू में नहीं करा था, तो बोले सर आप ये बेसिकली कभी कराओगे? मैंने कहा हाँ। बोले सर मजाक की तरफ कराओगे? वो ये एक्सपर्ट कर रहे कि मैं नहीं कराऊंगा। तो आप में से कोई ये मान रहे हो तो ये देखो सबसे ज्यादा रूल और कानून कहाँ पे इन्हीं चैप्टर में, इसीलिए इनको बाद में कर रहा हूँ। एक के अंदर जो बहुत ज्यादा पिछली चीजें जो वर्ब्स की चीजें याद करनी है वो आप भूलें। अब इसके अंदर दूसरी जो बात आती है वो आती है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में मैंने कल परसों भी बताया था तीन प्रकार की डिग्री होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में वर्ड पॉजिटिव रहता है, ये वर्ड एज इट इज रहता है, एज इट इज वर्ड जो रहता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है इक्वेटिव, यानी कि एक एक्स है और एक वाई है और दोनों को कंपेयर जब कर रहे तो रिजल्ट बिल्कुल बराबर आता है, उस चीज को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन बनते पड़ेगा। मैं यहाँ पर दो नाम उठा लेता हूँ, भाई का नाम आदित्य और दूसरा नाम उठा लिया अभी मेरी रिसेंटली दोस्तों ने काफी नहीं तो जाए तो करना है तो आज आदित्य और हर्ष। आदित्य उतना ही अच्छा है जितना हर्ष है, तो मैं बोल देता हूँ आदित्य इज गुड, हर्ष इज गुड, और दोनों एक लेवल के गुड हैं, एक लेवल के हैं, तो बताओ आदित्य इज एज गुड एज हर्ष इज, ये सब लोग पूरा सेंटेंस लिखे आदित्य इज एज गुड एज हर्ष इज, बताओ ये पूरा सेंटेंस है। और ग्रामर कहती है जब सेंटेंस में बी की प्रेजेंट फॉर्म यहाँ चल रही है तो बी की प्रेजेंट फॉर्म यहाँ भी चलेगी, कहीं तक लिख दो आदित्य इज एज गुड एज हर्ष, यहाँ तक तो ठीक है, ये भी नाम है ये भी नाम है, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है ज्योति इज एज स्टूडियस एज ऋतु, ज्योति इज एज स्टूडियस एज ऋतु, यहां पर भी ज्योति और ऋतु दोनों नाम हो गए, दोनों नाम को हमने कर लिया। यहां से हर्ष गायब किया और यहां लगा दिया ब्लैंक, और ये कुछ क्या किया गया और यहां से ऋतु को गायब किया। रैंसम डिमांड नहीं करनी, आंसर डिमांड करना है शिया गया
बताओ जी। आदित्य इज एज गुड एज हिम या आदित्य इज एज गुड एज ही? कितने लोगों का आंसर ही आ रहा है? आप गलत सोच रहे हैं। हमने यहाँ से क्या एलिमिनेट कर दिया था? इज, यहाँ से वर्ब हमने अंडरस्टूड मान के टाइप की और वर्ब से पहले हमेशा कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। क्या आएगा? ही। बेशक ये बोलने में अच्छा नहीं लगता बट ग्रामेटिकली अच्छा होता है। जब भी आप, क्योंकि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दोनों सब्जेक्ट बस आपस में क्या हो रहे हैं, सब्जेक्ट, तो ध्यान रखिएगा व्हेनेवर यू आर इक्वेटिंग टू थिंग्स देन बोथ साइड मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस, बोथ साइड मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस, दोनों के दोनों केस किसमें रहेंगे? सब्जेक्टिव केस। जब कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो लेस देन या मोर देन पढ़ेंगे, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी। अब ये भारी भरकम क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आता है, तो ज्योति इज एज स्टूडियस एज शी या हर? क्या आएगा? शी। अरे माय टीचर, my teacher was as intelligent as her teacher। ये लिख सकता हूँ, और teacher शब्द repeat हो रहा है तो her से लिख सकता हूँ। Yes or no? ये पजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ा दिया था, पजेसिव प्रोनाउन। अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ, माय टीचर वाज एज इंटेलिजेंट एज हर। हमारी टीचर उसके बराबर ही इंटेलिजेंट थी, यानी कोई पर्सन के पर्सन को इक्वेट कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर हर आना चाहिए या शी आना चाहिए? शी आना चाहिए था। सो व्हेनेवर यू आर इक्वेटिंग और कंपेयरिंग बोथ साइड मस्ट बी इन, बोथ साइड मस्ट बी इन सब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर ये देखिए, योर डॉग इज एज गुड एज डैश ए बी सी डी, मी आई माई या माई, किस किस का आंसर आई आ रहा है? ये दोनों साइड सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तुम्हारा कुत्ता और मैं दोनों अच्छे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब तुम्हारे कुत्ते की बात हो रही है तो यहाँ पे भी मेरे कुत्ते की बात होगी, तो माय डॉग होना चाहिए, यस और नो? और डॉग शब्द रिपीट हो रहा है तो माय प्लस नाउन क्या बन जाएगा? माय। ये इसका आंसर। मजा आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास पॉजिटिव डिग्री लगेगी तो साइड में एज एज का इस्तेमाल होगा और बीच में कोई भी मोर या कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। पॉजिटिव डिग्री के अंदर आपके पास मच का या मैनी का इस्तेमाल होता है, मैनी काउंटेबल प्लूरल के लिए लगता है और मच अनकाउंटेबल के लिए लगता है। दे हैव एज मच मनी as she। अब ये अंडरलाइन करके आ गया she के आगे लिखा she had, she have या she has, और no improvement। तो बताओ उसके पास बड़े बहुत ज्यादा धन है, तो she के पास भी बहुत ज्यादा धन है और उसके पास उतना ही धन है उनके पास जितना उसके पास है। तो दे के साथ अगर हैव लगा हुआ है तो शी के साथ क्या लग जाएगा? ठीक है, तो वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इक्वेट कर देंगे क्योंकि बोथ साइड्स मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस, बोथ साइड्स मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब पैरालिज्म लेकर आओ इसके अंदर।
पैरेललिज्म क्या कहता है कि एंड लगकर अगर आपके पास यहाँ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी पक्का पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मिलेगी, यस और नो? तो अगर मैं लिख दूं दिस गवर्नमेंट इज एज arrogant and trouble making, this government is as arrogant and trouble making that the previous one. A B C D. More troublemaking than the troublemaking than that of your troublemaking as the or no into. अब मुझे बताओ ये क्या शुरू हो रखा है एज, और अगर एक बार एज आया तो दूसरी बात भी क्लोज किससे होना चाहिए था एज, बिल्कुल एज का खेल ब्रैकेट जैसा है, सिंगल ब्रैकेट काम नहीं आती, ब्रैकेट को आपको बंद भी करना पड़ता है। तो अगर एक बार एज लगा है तो दूसरी बार भी क्या लगना चाहिए एज, और एज और एज के बीच में मोर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, अगर एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री होगी। आंसर क्या होगा सी? अच्छा, एज एज के बीच में पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा तो एंड के बाद भी पॉजिटिव आएगा, तीन होंगे तो भी पॉजिटिव रहेंगे, चार होंगे तो भी पॉजिटिव रहेंगे। मैं एक दो बार गलती हो गई, सारा बच्चे समझ में ठीक है? इसमें भी छांट लेगा, देखो सर नहीं जरूरी है, ठीक है 10 मिनट का ऑलरेडी देकर ढाई बजे तक का चिंटू की मम्मी का फोन आ गया, जल्दी आ गया 2:15 छोड़ दूँ। चलिए अगला देखिए क्या हो गया, जल्दी जाना है क्या? क्यों पढ़ाई में जाने नहीं है, धूप और रखी कहाँ चल के मरोगे बाहर जाके, अब पढ़ाई करो ठंडा ठंडा कुल कुल, ऐसे बोला करो 4 बजे तक पढ़ाओ, चला 4 बजे तक पार्टी चलेगी पढ़ाई की, सर 4 बजे तक चल सकती है क्या कर रहा है? हम लिख के चले तेरे भाई बाकी इतना इंफॉर्मल आदमी मिलेगा नहीं पता है। चीज़ें दिमाग में कुछ आने के लिए आपको सारी चीज़ करनी लैंग्वेज है, विज्ञान का सब्जेक्ट हो तो भी वैसे ही समझ में आता है, बताऊंगा क्लास के बाद विज्ञान का सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स का पूरा फॉर्मूला होता है। अगला देखिए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के अंदर, इसके अंदर इतना है, दूसरी डिग्री आती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आपके पास या तो किसी वर्ड के साथ ईआर लग जाता है या फिर उस वर्ड के साथ जो दो से ज्यादा सिलेबल का होता है, सिलेबल का मतलब होता है अटक्षण का, किसी भी वर्ड को बोलते वक्त आप कितनी बार ट्विस्टिंग ऑफ लिप्स होती है उसके हिसाब से आप बना लेते हैं, जैसे इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटर इंटेलिजेंटेस्ट नहीं बनता, मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट बनता है, तो ध्यान रखिएगा इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट
तो टी पे रुका, एल पे रुका और फिर से टी पे रुका, और दो से ज्यादा सिलेबल होने पर ऐसे बड़े वर्ड्स के ईआर ईएसटी में आपके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल नहीं होते, तो इनको मच मोर मोस्ट करके कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा के बनाया जाता है। क्या लगा देंगे? मोर बनाना नहीं लगाना। अगले कंपैरेटिव डिग्री के अंदर फिर से वही बात रखेंगे, एक सब्जेक्टिव केस दूसरे सब्जेक्टिव केस से या तो ज्यादा अच्छा होगा या फिर कम अच्छा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी दोनों के दोनों केस सब्जेक्टिव केस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर वन बड़े ही प्यार से और ईमानदारी से मैं दे रहा हूं, यू आर बेटर एंड ब्यूटिफुल देन हर, ए बी सी और डी, सीधा सीधा ऑप्शन पढ़ाना बाद में, पहले क्वेश्चन कर लेना क्योंकि आप कर लो। आंसर बताओ भाई। ओ यू आर बेटर एंड ब्यूटीफुल देन हर। अब ये देखो एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री होगी। क्या ली ब्यूटीफुल आएगा या मोर ब्यूटीफुल? मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब सबका आंसर ए आ गया। अब ये देखो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस, तो देन के बाद हर नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? शी। और कई बार आप बोल दे देते हो कि यार तू तो मेरे से ज्यादा अच्छा है, तुम मेरे से बेहतर हो, तुम मेरे से बेहतर हो, और बेहतर को बोलते बेहतर, बेटर, क्या बोलते हैं? बेटर। सो यू आर बेटर देन मी या यू आर बेटर देन आई। So in informal English, you are better than me is correct. But in grammatically formal English, what is correct? You are better than I. Because whenever you are equating or comparing two units, both the units must be in subjective case. आ गई बात समझ में? हाँ बच्चे, तो अगली बात ये पता लगी कि कंपैरेटिव डिग्री ईआर और मोर लगा के बनता है, और जनरली इसके बाद क्या लगता है? देन, और देन के बाद सब्जेक्टिव केस रहेगा, ये दिमाग में घुसा। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो पक्का पता देन लगता है, पर देन के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्टिव केस। रूल वही इक्वेशन में आएगा, जैसा सब्जेक्ट यहाँ होगा उसी तरह का केस सब्जेक्टिव केस यहाँ। डेरिवेशन पता ही लग गई। लेकिन अब आइए अगले एक रूल, छोटा सा रूल, प्रपोजिशन का रूल है। देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स विच आर comparative in nature, कुछ ऐसे adjective होते हैं जो खुद ही comparative nature के होते हैं। अगर वो खुद comparative nature के होते हैं तो उनके आगे er और more का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी they will be used as they are, जैसे हैं वैसे ही use हो जाएंगे, है ना? दूसरी बात, with them to is used, उनके साथ then की बजाय to का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अब बताओ
और टू अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है ऑब्जेक्टिव केस, क्या लगता है ऑब्जेक्टिव केस। तो बताओ पहले तो वो कंपैरेटिव नेचर के एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, तो ये सारे के सारे वर्ड आई ओ आर से खत्म होते हैं। इनके साथ मैंने बताया मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, मोर मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी बात, इनके साथ टू का इस्तेमाल होगा, यानी देन का इस्तेमाल भी नहीं होगा, टू का इस्तेमाल होगा। और टू का इस्तेमाल यहाँ पर टू प्रपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, यानी कि अभी ये 5-6 क्वेश्चन बनेंगे देखो, और सारे के सारे पेपर के आए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, चलो एक जनरल सेंटेंस बनाते हैं, सीनियर से बना देते हैं। मिस्टर सुमित इज सीनियर देन आई, मोर सीनियर देन आई, ए बी सी और डी। सीनियर देन आई, सीनियर टू आई, या सीनियर टू मी, या फिर नो इंप्रूवमेंट, क्या आएगा? ए बी सी डी, सी इज द आंसर। क्या आंसर आ रहा है? सी। सबसे पहले सीनियर से पहले मोर का इस्तेमाल नहीं होगा, मत करो, नंबर नहीं है। सीनियर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं होगा तो टू का इस्तेमाल, और टू प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसी के अंदर एक और बनाओ। मिस्टर सुमित इज बेटर एंड सीनियर, बेटर एंड सीनियर डैश, और मिस्टर सुमित इज सीनियर एंड बेटर, चलो नहीं, सीनियर टू मी, और मिस्टर सुमित इज सीनियर एंड बेटर देन मी। अब मुझे बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में से कितने सही है और कितने गलत है? अब आइए देखो ये क्या लिखा हुआ, सीनियर, सीनियर के पड़ोस में टू, सीनियर को तो पैरेललिज्म ऑफ, अब देखो पैरेललिज्म ऑफ डिग्री नहीं पढ़ा रहा, पैरेललिज्म ऑफ प्रपोजिशन, तो सीनियर के साथ तो टू लगता है और टू के साथ मी लग गया। सीनियर का बेटर अपने साथ टू लगता है, तो बेटर के साथ क्या आना चाहिए? अब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, मिस्टर सुमित इज बेटर देन एंड सीनियर टू। दूसरा सेंटेंस देखो, ठीक है या गलत है? गलत। पहली बात तो सीनियर एंड बेटर लिखा हुआ, तो बेटर के पड़ोस में तो देन बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और देन के पड़ोस में मी अच्छा नहीं लग रहा, क्या होना चाहिए था? आई। लेकिन सीनियर के साथ देन आता है? नहीं, सीनियर के साथ कौन आता है? टू। अब ये सेंटेंस क्या बनाया सही? याद रखेंगे जो भी इसके बगल में होगा वैसा ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस ले लेंगे, यहाँ टू है तो मी ले लिया, देन है तो आई ले लिया, क्योंकि देन अपने हिसाब में दोनों तरफ क्या रखता है? सब्जेक्टिव केस, लेकिन टू खुद प्रपोजिशन होता है, अपने साथ क्या रखता है? ऑब्जेक्टिव।
चलो अब एक जाते जाते हैं ना क्विज करते हैं, ठीक है? एक अच्छे से क्विज करते हैं, उस क्विज में से एक रूल खेल खेल में सीखते हैं। प्ले विद फन, चलो आशना आशना की दो विशेषताएं कोई एडजेक्टिव होनी चाहिए दोनों को। क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल, वेरी गुड। एडजेक्टिव नंबर वन है क्रिएटिव और एडजेक्टिव नंबर टू बताया ब्यूटीफुल। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट की मैं ये कहूँ कौन सी ज्यादा है, क्रिएटिव ज्यादा है? नहीं, ये आपकी अगली परीक्षा की है। ये सोचो, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचूं, ये तो कुछ नहीं सोचेगी, कुछ भी बोलोगे हिसाब किताब करेगी कुछ भी। अच्छा ही होगा, दोनों तो बराबर है, वो तो कंपैरेटिव टेस्ट करना है। क्योंकि सृजनशील व्यक्ति और ज्यादा सुंदर अपने आप ऐसे मोड़ सकते हो ना बात बात में। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हम भाषा के भाषा बना दो। अब जब आपको एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से कंपेयर करना हो तो कैसे करें? ऐसे ही ये तो आसना का हो गया, स्पेलिंग बोलना चलो ए बने छोड़ो, डबल ए के ए ए पूछना ज़्यादा सही, ए ए एस एच एन ए, ये ठीक। अब मैं पूछता हूँ भाई, आप बहुत ज़्यादा रहते हो उस ब्लैक बॉय के साथ, सॉरी ब्लैक शर्ट वाले बॉय के साथ, तो ब्लैक शर्ट वाले बॉय की दो विशेषताएं बताओ। हर्ष, आपका नाम क्या है? श्रेय। क्या ये स्पेलिंग? तो हर्ष जी, श्रेय के बारे में दो बढ़िया विशेषता। चलो, तो बता रहा है एडजेक्टिव नंबर एक तो ये कि ये अच्छा है और दूसरा ये स्टूडियस है, बहुत अच्छे बता रहे हो, तो बनानी पड़ेगी। लेकिन मैंने पूछा इससे कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम। अब कहोगे सर क्या पूछना चाह रहे हो, अभी बना दूंगा रूल। तो यहाँ पर एक सेंटेंस नंबर ये बना, आशना इज मोर क्रिएटिव देन ब्यूटीफुल, सही है? तो वो ब्यूटीफुल से ज्यादा क्रिएटिव है। क्या आशना और ब्यूटीफुल दो पर्सन है? नहीं, दो पर्सन होते तो वो क्रिएटिव ज्यादा है, वो ब्यूटीफुल से ज्यादा क्रिएटिव है। आशना और ब्यूटीफुल दोनों सही है, ऐसा तो नहीं है। आशना की दो विशेषताएं एडजेक्टिव नंबर वन, एडजेक्टिव नंबर टू, और जो भी ज्यादा होगा वो आगे रहेगा और जो भी कम रहेगा वो पीछे रहेगा, और उसके लिए आगे क्या लग जाएगा, मोर, और ये क्या लग जाएगा, देन। तो ऐसे ही याद रखना, अगर मैं यहाँ लिख दूं श्रेय इज बेटर देन स्टूडियस, तो ये सही है या गलत है? ए बी सी डी, एज गुड एज then more better than more good than no improvement. So whenever you are comparing two adjectives, both the adjectives must be in positive degree, both the adjective must be in positive degree, और जोन से भी ज्यादा होगी वो आगे आएगी और उसके आगे क्या लग जाएगा, मोर।
तो दोनों की दोनों को पॉजिटिव डिग्री में रखिए, यहाँ पर भी गुड रखिए और यहाँ पे भी स्टूडियस रखिए और गुड के आगे क्या लगा दीजिए, मोर, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू कंपेयर टू एडजेक्टिव फॉर अ सिंगल पर्सन देन बोथ एडजेक्टिव्स मस्ट बी इन पॉजिटिव डिग्री एंड फॉर द एडजेक्टिव टू बी ट्रीटेड एज द कंपैरेटिव पार्ट मस्ट बी एडेड विद द वर्ड मोर। ठीक है, एक लाइन में बोल गया मैं, हिंदी में लिखिए। अगर दो विशेषण है अपेक्षा एवं उपेक्षा हेतु, लेकिन है ना, अगर दो एडजेक्टिव को कंपेयर करेंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव डिग्री में आएंगे, लेकिन जो पहले वाला होगा वो ज्यादा बड़ी विशेषता बता रहा होगा और उसी के आगे पॉजिटिव डिग्री के आगे मोर का इस्तेमाल हो जाएगा। चलो एक खेल, एक एक्टिविटी हो गया था। दो सिस्टर का नाम बताओ, दो सिस्टर का नाम बताओ जो बहुत फेमस गायिका है। लता मंगेशकर और आशा, नेहा कक्कड़ और सोनू कक्कड़, सोनू सोनम सोनू सोनू तो बोला हूँ मैं, ये आंसर है बताओ मेरे को, पता नहीं, लैक ऑफ नॉलेज जी। कोई दो भाई बताइए जो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, दो भाई, यूसुफ पठान और इरफान, हार्दिक पांड्या और कुणाल मुणाल कुणाल पठान, दो भाई बताइए जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। टाइकून का मतलब बड़े इंडस्ट्री क्या टाइकून, वैसे टाइकून क्या, टाइकून क्या होता है, बवंडर, टाइफून क्या होता है, कुछ भी हवा से मारी। मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत में कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैंने कहा चल 27 का पाड़ा सुनो और सुनाने में लगी मैं ये क्या बोले, ट्यून ट्यून याद हुई अभी, इसके ट्यून तो याद हो गई, टाइकून है टाइकून की। तो आपने दो दो सिस्टर दो दो ब्रदर की बात की, अब मैं कहना चाहूंगा कि उन्हीं दो में से एक की बात करना चाह रहा हूं, तो दो में से एक होगा तो कंपैरेटिव डिग्री होगा और दो में से सबसे अच्छा भी ये है तो डेफिनेट केस भी होगा। अब याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, लता मंगेशकर इज बेटर देन द टू सिस्टर्स, एक क्वेश्चन ये बनाया और एक बनाया लता मंगेशकर इज बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, एक ये बनाया। अगर आपसे मैं पूछूं कि पहले सेंटेंस में कुल कितने लोगों की बात हो रही है, तो तीन लोगों की बात हो रही है, दो सिस्टर अलग हैं और लता मंगेशकर अलग है, और दो में से एक लेना हो तो
आपको क्या लगाना पड़ेगा? ओ, यानी दो सिस्टर जिनमें से एक लता मंगेशकर है, दोनों बहनों में से लता मंगेशकर ज्यादा अच्छी है। लेकिन इसके अंदर छोटा सा फर्क ये, जब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो ये किसमें होना चाहिए था? डेफिनेट इसके साथ क्या लग जाएगा? दो बेटर। सो लता मंगेशकर इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। सो याद रखिएगा, जब भी आपके पास ऑफ द टू प्लूरल नाउन लिखा आ जाए तो आपके पास सबसे पहली बात कंपैरेटिव डिग्री लगेगा और साथ में दी का इस्तेमाल होगा। आगे आने वाले वक्त में जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे ए एंड दी, वहाँ पे भी इस रूल को दोबारा से रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज नहीं समराइज कर लेंगे हम वहाँ पर। तो अगर आपको तीसरा क्वेश्चन बनाना है, अनिल अंबानी इज द मोर रिच ऑफ द टू ब्रदर्स। अब ये लिखा आ गया और ये ऐसे लिखा आ गया ऑफ ए बी सी डी, द रिचर देन द रिचर ऑफ द मोर रिच देन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको पता है कि ऑफ द टू होता है और दो भाइयों में से एक निकालना हो तो ऑफ द टू ब्रदर्स होना चाहिए, या तो ऑफ सही है या फिर ये ऑफ सही है, देन वाले बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर या तो जी आएगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। अब बताओ मोर रिच होता है क्या? रिच की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनती है? रिचर, और तीसरी क्या बनती है? रिचर्स। सो यहाँ मोर रिच की जगह क्या आना चाहिए? रिचर। और आपको बताया जब भी ऐसे में दो में से एक छांटोगे तो न केवल कंपैरेटिव डिग्री लगेगा बल्कि डेफिनेट आर्टिकल दी का भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? दी। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नहीं, वो तो वो होता है ना, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन जयपुर, इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर बेटर देन दैट क्लास, और द स्टूडेंट दोज ऑफ दैट क्लास, दोज ऑफ दैट, और दोज किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए। हां, दैट ऑफ किसके लिए है? क्लाइमेट के लिए। आई ये इशू क्या हाल है? ठीक है, सही चल रही क्लास? अरे कैसे हैं आप? ठीक है, हिस्ट्री की क्लास है? बड़ी बड़ी प्लीज आगे बैठते हो क्या? आपको कौन कौन आता है हिस्ट्री क्लास में? 5 साल से आते हो क्या? आपको 15
ए इतनी देर सोच के आराम से दे अजय भाई जाता है इतना पढ़ा लेने के बाद भी क्वेश्चन पेपर में बच्चों से पेपर क्वेश्चन नहीं हो रहा क्वेश्चन पेपर नहीं हो रहा क्या करें इसको क्या क्या सिखाऊं मैं जी बताइए कितने का आंसर सी आ गया जी ये दोनों आप लोगों ने सलाह बना के बोलते हैं मैं आंसर बताया ई होगा बिल्कुल सही जवाब है ई इज द करेक्ट आंसर नन ऑफ द अबव मेरे को खुद नहीं आता अगला देखिए बताओ द नीति आयोग फॉर्मुलेटेड 3 पॉलिसीज लास्ट ईयर तो बताओ कितनी पॉलिसी बनाई उन्होंने P1 P2 P3 तीन पॉलिसी थी द फर्स्ट वन वाज वन अब आ गया ना समझ में अब नहीं दिक्कत आ रही होगी पहले से इंफॉर्मेशन गिवन है और फर्स्ट वन किसको कह रहा हूं नीति आयोग को ये पॉलिसी नंबर 1 को पॉलिसी नंबर 1 बाकी दो से तो ये बाकी दो है तो द टू होना चाहिए अदर टू अदर टू तो इसका मतलब ए या बी ए तो आएगा ही अब अदर है तो दो में से एक नहीं है दो अलग और एक अलग ऑफ का इस्तेमाल भी नहीं होगा और जब मोर अफेक्टिव है तो देन आएगा दो में से एक लेते हैं तब कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आता है जब बहुत सारों में से एक लेना हो तो डी का इस्तेमाल नहीं होता राइट आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव तो आपके पास आंसर आएगा मोर इफेक्टिव देन अदर टू पॉलिसीज फॉर टू पॉलिसीज तो लिखा हुआ है ये आपका राइट आंसर होगा समझ में आया आज के क्वेश्चन का सबसे बड़ा मतलब आज दो ढाई घंटे पढ़ने में एक सवाल जो काम का निकला वो ये सवाल ठीक है सो पढ़े लिखे बनो अच्छे बनो ठीक है और बहुत कुछ नया हमारा निकलता रहता है आता रहता है दिमाग में कुछ ना तो चीजें जितने भी जोड़ प्रयोग करते रहोगे उसको आपस में कनेक्ट करने की जरूर से जरूर कोशिश करें ठीक है बिजनेस स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं तब इस तरह के सेंटेंसेज और अच्छे मिलते हैं बिजनेस लाइन का एक अखबार आता है वो भी अच्छा है इसी मंथ के अंदर अभी SBI PO भी लॉन्च हुआ है तो अगर वो भी अगर भरना चाहें पेपर भर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा वो कब ओरिएंटेड आती है ठीक है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत भारत माता की